हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पेटीएम फास्टैग को पोर्ट कर सकते हो अदर बैंक अकाउंट में, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप अपने पेटीएम फास्टैग को क्लोज करना चाहते हो यानी कि बंद करना चाहते हो तो किस तरीके से बंद कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों ट्रिक बताने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए बिना देर के चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और जानते हैं ट्रिक को। तो हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आपको यहाँ से बताएंगे कि कैसे आप पेटीएम फास्टैग को पोर्ट कर सकते हो अदर बैंक अकाउंट में, और कैसे क्लोज कर सकते हो यानी कैसे बंद कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम आपको दो तरीके बताएंगे पोर्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए। बिल्कुल आसान तरीका होगा दोनों तरीका। एक पहला तरीका होगा कि आप पेटीएम हेल्पलाइन नंबर से डायरेक्टली वहाँ से बंद करा सकते हैं अपने पेटीएम फास्टैग को और पोर्ट करा सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले पहला तरीका बताता हूँ। तो चलिए जानते हैं पहला तरीका क्या है और कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऐसे ही मैं डायलर पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है मेरे डायलर में। तो इस नंबर पे जैसे आप इसे डायल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे पहले यह जानना होगा कि जैसे कि जो फास्टैग में आपका नंबर मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर से इस नंबर को डायल करना होगा। उस नंबर से जैसे आप इस नंबर को डायल करते हैं बिल्कुल फ्री सेवा है। और यहाँ पे डायल करने के बाद आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन किया जाएगा यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा कि आप कौन से भाषा में जानना चाहते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में जानना है तो आपको 1 प्रेस करना है, अगर हिंदी में जानना है तो आपको 2 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 1 प्रेस करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे 3 प्रेस करना फास्टैग के लिए। उसके बाद आपको एक मैसेज बॉक्स में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका फास्टैग क्लोज कर दिया जाए, उसके बाद अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड वाले पे क्या होगा कि जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करनी है अपने फास्टैग की पर्ची की, यानी कि जब भी आपका फास्टैग आता है तो वहाँ पे एक रसीद या पर्ची कुछ मिलता है तो उसे फाड़ कर वहाँ पे उसे अपलोड कर देना है। तो ऐसे कर देने से आपका पेटीएम फास्टैग 5 से 7 दिन के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप किसी अदर बैंक अकाउंट से एक नया फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से। अगर आप मतलब पेटीएम एप्लीकेशन से बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे चलते हैं हम सीधे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पेटीएम एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे। और यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा क्लोज फास्टैग का, आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड ऊपर साइड देखेंगे यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। फ्रेंड, जैसे आप हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं नीचे साइड देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा नीड हेल्प विथ नॉन ऑर्डर रिलेटेड क्यूरी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं पहले से ही बहुत बार बात कर चुका हूँ, यानी कि 2-3 बार यहाँ पे बात कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट बार बात करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा फर्स्ट बार। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे टाइप करके मैसेज एक आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ये जो पेटीएम मतलब कि आप पेटीएम यूज कर रहे हैं और जो नंबर पेटीएम में लॉगिन है वो पेटीएम फास्टैग से लिंक है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, तो अगर लिंक है तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे फिर से टाइप करके फिर से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, या तो आपके पास चेसिस नंबर है तो आप यहाँ पे चेसिस नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वेट करना है। यहाँ पे उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है यानी कि यहाँ पे अपने पेटीएम यानी कि अपने पेटीएम फास्टैग का लास्ट के 10 अंक आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा।
वहाँ पे आपको अपने पेटीएम फास्टैग का कोई भी पर्ची रसीद फाड़ कर वहाँ पे अपलोड कर देना है। उसका फ़ोटो खींच कर अपलोड जैसे कर देते हैं तो आपका पेटीएम फास्टैग 5 से 7 दिन के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जब आपका पेटीएम फास्टैग मतलब कि बंद हो जाएगा और जो भी पेटीएम फास्टैग में आपका पैसा होगा वो आपके पेटीएम वॉलेट में वापस कर दिया जाएगा। तो उस पैसे को आप अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और एक नया मतलब किसी अदर बैंक अकाउंट से एक नया फास्टैग अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप पेटीएम फास्टैग को क्लोज कर सकते हो और एक नया फास्टैग को अप्लाई कर सकते हो। जब तक आपका यहाँ पे पेटीएम फास्टैग मतलब कि क्लोज नहीं होगा, यानी कि जब तक यहाँ पे पेटीएम फास्टैग आपका बंद नहीं होगा तब तक आप इस नंबर से कोई भी फास्टैग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे तब तक वेट करना है 5 से 7 दिन। जैसे आपका पेटीएम फास्टैग क्लोज हो जाएगा तो आप इस नंबर से एक नया दूसरे बैंक से अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आपको पेटीएम फास्टैग को क्लोज करना है और कैसे आप एक नया दूसरे बैंक अकाउंट से आपको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे बंद हो जाएगा तो आपने दूसरे बैंक अकाउंट से एक और नया फास्टैग को अप्लाई करके यहाँ पे ले सकते हो। फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।